एबटाबाद के एक खूबसूरत सियाती मकाम में से एक मकाम है हरनाई का। वहाँ पर इस वक्त आप मेरे कमरे देख सकते हैं कि एक कुदरती दरिया है जो इस वक्त यहाँ इन हसीन वादियों में बह रहा है, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गर्मी को दूर करने के लिए शहर से इस सियाती मकाम पे आ चुकी है। मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि इस दरिया के ठंडे पानी में बच्चे जो हैं वो छलांगे मार के वो नहा रहे हैं। मेरे दाएं बाएं आप देखें कि बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस ठंडे पानी का मज़ा ले रही है। यहाँ पर यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने दाएं बाएं जो है वो होटलिंग का अरेंज भी किया हुआ है। यहाँ पर खाने पीने की अशिया बड़ी वाफर मकदार में मिल सकती हैं, और उसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर जो झूले हैं वो मेरी अकम में आप देखें तो वहाँ पर झूलों का भी एक बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। बिम्बर से हम चले जी 50 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत के साथ शदीद गर्मी में मरी के मकाम पे पहुँचे। उसके बाद हमने वहाँ पे माल रोड को खूब इंजॉय किया, उसके बाद हमने नथिया गली इंजॉय किया, अयूबिया वहाँ पे गए, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम गुजरात और बिम्बर के दूसरे जो शहर हैं वहाँ की बनस्बत एबटाबाद का मरी का जो दर्जा हरारत है वो बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आएँ तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। अभी हमारा ये काफिला भाई साहब पाशा में बिम्बर इस्लामाबाद पिंडी से होता हुआ मरी पहुँचा। मरी से होते सुबह हम नथिया गली अयूबिया की सैर करते करते एबटाबाद के इस मकाम पर पहुँचे हैं, जहाँ पे बच्चों की तफरी के लिए, फैमिलीज की तफरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ के दाएँ बाएँ लोगों का एक तो रोज़गार चला हुआ है। यहाँ पर लोगों ने अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत को जहाँ वो यहाँ वाफर मकदार में लोग आके उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है, वहीं पे यहाँ के मकामी लोगों का जो रोज़गार है वो इस खूबसूरती के बायस चल पड़ा है। लोग यहाँ पे जो है मशरूबात बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, खाने बेच रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे घुड़सवारी जो बच्चे शौक रखते हैं वो है, झूले हैं। अब मेरे साथ लाइक साहब जो बिम्बर से मेरे साथ थे वो यहाँ पे आप नज़र आ रहे होंगे क्या ठंडे पानी में नहा रहे हैं। लाइक साहब से जानते हैं कि इनको कितना मज़ा आया ठंडे पानी में। जी हमें बहुत मज़ा आया, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। ये वो एक भाई कह रहे हैं मैं निकलो पर घोड़े को नहलाने, हमने बोला नहीं यहाँ पे घोड़े को भी नहलाते हैं। अच्छा ठीक, वो कह रहे नहीं है यहाँ से जल्दी जल्दी निकले, यहाँ से हमने घोड़े को भी नहलाना है। इसके बाद हमारा जो वॉइस ऑफ पाशा में साथ भी का अगला टूर होगा वो नारान होगा। एबटाबाद में थोड़ा सा स्टे करेंगे हम, स्टे के बाद हो सकता है मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जाएं, और उसके अलावा एक दो वहाँ पे दोस्त हैं उनसे मिले, तो उसके बाद हमारा अगला पड़ाव इंशाल्लाह नारान है। मेरे साथ रहिएगा वॉइस ऑफ पाशा में, मैं हूँ आपका मेज़बान कुरम अफजाल पाशा।
टैन फॉक माँ थोड़ा सा जाए ना पानी में, थोड़ा अंदर जाए ना, बाल गीले करके आए ना, जाए थोड़ा सा अंदर जाए ना। आप नहीं नहीं कर लेना, बस इधर इधर ही बैठ जी, बैठ जी इधर ही। चलो ना अब तो खूब इंजॉय कर रही है पानी में, मजा आ रहा है, पहली दफा आई है। अच्छा क्या किधर किधर घूमने गई थी? बहुत जगह पे। अच्छा ठीक, खैर खैर, दो ले दो ले।